बेंगलुरु में एक ईदगे के लिए कहते हैं कोई चामराजपेट, कोई अलग अलग कहते हैं, मगर एक कहीं सालों से था ईदगा, वहाँ पर मुसलमान ईद को नमाज अदा करते थे। अब कुछ हिंदू पर संगठनों ने अब जिला अधिकारी को ये मेमोरेंडम भी दी गई है और वहाँ पर आंदोलन भी किया गया है। ये आंदोलन इसलिए किया गया है, जैसे मुसलमानों को सरकार ने नमाज पढ़ने की अदा करने की परमिशन दी गई है, उसी तरह यहाँ पर हिंदू के जो भी ईद वगैरह आते हैं, गणपति आती है, शिव जयंती आती है, जो भी कुछ आता है, इसी जगह पर उनको भी परमिशन देना पड़ता है, अनुमति देना पड़ता है। यानी कि ये ईदगाह सरकारी जगह है, ये सब के लिए है। ये इनका भी यही मांग है कि ये हमको भी परमिशन देने के लिए इन्होंने मेमोरेंडम दिए गई है। अब तो ना जाने कहीं कहीं तरह के आंदोलन हो चुके हैं, कहीं कहीं तरह के स्ट्राइक हो चुके हैं, कहीं कहीं तरह के हिंसे हो चुके हैं। अब सब तो चला गया, NRC चला गया है, झटका चला गया है, हलाल चला गया है। अब ना जाने कहीं केस तो आप देखे होंगे TV चैनलों में, सभी चले गए हैं। अब मुद्दा ये आ गया है कि ईदगाहों का मुद्दा अब बहुत जोर से चल रहा है, क्योंकि अब तो इसके कागज पत्र है या नहीं है ये तो संबंधित अधिकारी ही तहकीकत करना है। मगर कर्नाटका हिंदुस्तान में जितना शांत नहीं है, उतना शांत और अमन कर्नाटका में है। जितना भी हिंसा हो जाए, झड़क हो जाए, यहाँ पर पुलिस प्रशासन उसे कंट्रोल करती है और उनको समाधान भी करती है और कानून हाथ में लेने से उन पर केस भी दर्ज कर सकती है। अब तो यहाँ पर हिंसा कई दिनों से चल रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर हिंदू पर संगठनों को क्या उनकी मनी पत्र आप तो दे गए हैं, मेमोरेंडम दे चुके हैं। अब तो हिंसा तो चल रहा है, आंदोलन तो छोटे मोटे चल रहे हैं, कहीं TV चैनल में इस ईदगाह के लिए तो बड़ा इशू हो गया है। अब आते हुए दिनों में ही पता चलता है क्या ये ईदगाह धारवाड़ के जिले के हुबली तालुका में, कुछ साल पहले ऐसा ही चल रहा था धारवाड़ का ईदगाह, अब वो यहाँ पर हिंदू और मुसलमान का धारवाड़ के जिले के हुबली में चलने के बाद यहाँ पर तिरंगा फैला गए, ताकि ना हिंदू आ जाए और ना कोई मुसलमान आ जाए। शायद यहाँ पर भी क्या ऐसा ही कानून होगा, या फिर क्या हिंदू पर संगठनों को यहाँ पर गणपति बटाने की अनुमति दी जाएगी, या छत्रपति शिवाजी महाराज का कुछ त्योहार बनाने की दी जाएगी, यहाँ फिर तिरंगा लहराया जाता। देखेंगे आते हुए एपिसोड में, दिखाएंगे जो चलता है वही आपके सामने लाएंगे। एक रिपोर्ट। भय भय वातावरण शिवकुमार भय बिटाड़ी ಸರಿನಾ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ
ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಜೊತೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಣ್ಣ ಶಿವಣ್ಣ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖಂಡರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಲೀಗಲ್ ವಾತಾವರಣ ಆಯ್ತು ಒತ್ತಡ ಒತ್ತಡ ಸರ್ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಹೋದ ಸತಿ ನಾವು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 8 ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಈಗ ನಮಗೊಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಈಗ ಅವರು ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆದೇಶ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಓಡ್ಬೇಕು ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಏನಿದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಏನು ತಗೊಂಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪ ಇದೊಂದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಹಂಚಕ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ